भय्यू महाराज आत्महत्याकांड में कुछ नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस को जांच में यह पता चला है कि संदेही युवती भय्यू महाराज से शादी करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही आयुषी उनके संपर्क में आ गई और कुछ कारण ऐसे बने कि आयुषी से शादी करना पड़ी। महाराज की शादी के दिन और बाद में युवती ने उन पर काफ़ी दबाव बनाया। इस पर महाराज ने उससे कहा कि वह किसी भी तरह से स्थितियों से निपट कर उससे भी शादी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक साल का समय चाहिए। इस पर युवती ने उन्हें एक साल का समय दे दिया था। फिर पता यह चला कि उसने सेवादार विनायक शेखर पंडित शरद देशमुख आदि के जरिए भी महाराज से रुपये अटने की कोशिश की। जिस दिन एक साल पूरा हुआ उस दिन महाराज बेटी से मिलने पूना जा रहे थे, तभी युवती का फ़ोन आया और उसने कहा, महाराज आज एक साल पूरा हो गया। इसके बाद महाराज की बेचैनी बढ़ गई और उन्होंने ड्राइवर को तुरंत कहा कि वापस इंदौर चलो। इसके ठीक दूसरे दिन सुबह उन्होंने खुद को गोली मार ली। जांच में यह भी बात सामने आई है कि महाराज और आयुषी की शादी महाराज की बहन रेणु उर्फ अक्का ने तय नहीं की थी, बल्कि सही कारण को छिपाते हुए खुद परिजन ने इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। दरअसल युवती से पहले आयुषी महाराज के संपर्क में थी, वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस तरह से महाराज की ज़िंदगी में उसकी एंट्री हुई और कम समय में दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गई। ऐसी ही नज़दीकी उनकी युवती जिसे संदेही कहा जा रहा है उससे भी बनी थी। आयुषी को लेकर यह स्थिति बनी कि महाराज को उससे शादी करना जरूरी हो गया। महाराज ने यह सारी स्थितियाँ अपनी बहन रेणु के सामने रखी तो उन्होंने भी आयुषी से शादी करने की सलाह दी। यही वजह है कि बाद में शादी के दौरान प्रवेश द्वार पर विनायक शरद देशमुख तथा युवती आपस में बात करते हुए और उखड़े हुए CCTV कैमरे के फुटेज में नजर आए हैं। शादी के दिन जब युवती ने हंगामा किया तो रेणु ने उसे महाराज के जीवन में खलल देने पर डांटा भी। तभी से युवती और तीनों सेवादार महाराज पर योजनाबद्ध तरीके से दबाव बना रहे थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।